नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज और मैं रिजवी। जैसा कि बिहार में नई सरकार की गठन हुई है, नई सरकार बनी है एनडीए की सरकार, जिसमें बीजेपी शामिल है, हम पार्टी शामिल है, जीतनराम मांझी की पार्टी, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन कई दिनों तक मंत्री पद जो होता है विभाग नहीं मिलने के कारण उसमें भी कहीं ना कहीं खींचातानी शुरू हो चुका था। जीतनराम मांझी ने आवाज उठाई थी कि हमें दो मंत्री पद चाहिए, हम पार्टी को दो मंत्री दो चाहिए, लेकिन फिर विभाग का बंटवारा हुआ, मंत्री पद तो एक ही संतोष कुमार सुमन ने शपथ लिया था, फिर उन्हें विभाग का बंटवारा हुआ। विभाग का बंटवारा होने के बाद फिर जीतनराम मांझी ने एक बार नीतीश कुमार और भाजपा से मांग कर दी है कि जो जीतनराम मांझी कहना है कि हम संतुष्ट नहीं है। मांझी ने नीतीश भाजपा के सामने रख दिए एक और शर्त। अब इस बड़े विभाग पर नजर है। बिहार पॉलिटिकल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार और भाजपा से एक और मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो केवल अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय से संतुष्ट नहीं है। मांझी ने एक और बड़े विभाग की मांग कर दी है। बता दें कि मांझी ने हाल ही में दो विभागों की मांग की थी जिसे पूरी कर दिया गया था। हिंदुस्तान आवाज मोर्चा, हम के गरीब संकल्प सभा को संबोधित करते हुए रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी पार्टी के लिए एक और मंत्री पद की मांग की है। बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया है कि वो केवल अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय से संतुष्ट नहीं है, यानी उनको जो एक विभाग मिला है उनसे वो संतुष्ट नहीं है, और मंत्री जो बनाने का था दो वो उन्हें मिलेगा, ये हो चुका है क्लियर। हमें तो पुल, पुलिस, सड़क, नदी, तालाब सहित ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए, ये जीतनराम मांझी कह रहे हैं। वे बजीरगंज महाविद्यालय में प्रगणन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। मांझी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि देश के स्वर्गीय विकास के लिए उनके सपनों के अनुकूल समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। गरीब जब तक बराबरी की शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब तक उससे भी किसी प्रकार की चेतना नहीं जगेगी। उन्होंने बसपा के संस्थापक काशीराम को भी याद किया और कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या किसी भी गरीब का संतान, सबको शिक्षा हो एक समान। इसके साथ ही मांझी ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न की उपाधि देने की भी मांग की है। ये जीतनराम मांझी की मांग है कि उन्हें जो विभाग मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें और विभाग मिले और शिक्षा सबको मिले, शिक्षा एक समान सबको मिले, वो कोई का किसी भी गरीब का हो, नीच जाति, किसी भी जाति धर्म का हो, सबको बराबर शिक्षा मिलना चाहिए। जीतनराम मांझी ने ये बातें उठाई है।